आप देख रहे हैं चेन्नई लाइव, हर खबर के साथ आज की क्राइम खबर। या पुलिस की पकड़ में जो दिखाई दे रहा आरोपी है, इसने अपने दोस्त की जीवन लीला समाप्त कर दी है, क्योंकि इसका दोस्त इसकी प्रेमिका को लेकर घूम रहा था। दोस्त के साथ प्रेमिका का घूमना इसको इतना नागवार लगा कि इसने एक बड़ा निर्णय लेते हुए अपने मित्र को योगेश्वरी रेलवे ट्रैक पर ले आया और इसने आओ न देखा ताओ क्रोधावेश में आकर दोस्त का सिर पत्थर से कुचलकर जीवन लीला समाप्त कर फरार हो गया। बोरेवली लोहमार्ग पुलिस ने महज 12 घंटे के अंदर गुत्थी को सुलझाते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आगे देखिए पूरी खबर विस्तार से। रात को 10:30 बजे के करीब एक 25 साल के युवक का डेड बॉडी राम मंदिर और जोगेश्वरी स्टेशन के बाजू में ट्रैक में मिला था। वो बॉडी को देखने के बाद हमारी पुलिस को कोई सस्पेक्ट लगा कि उसके चेहरे पे जो इंजरीज थी उसके वजह से हमारी टीम को एक डाउट निर्माण हुआ। उसके बाद हमारे पुलिस ने स्पॉट पे विजिट किया और बॉडी को देखने के बाद उसकी हत्या की गई है ऐसा समझने के बाद उस वारिस उस डेड बॉडी के रिलेटिव्स को हमने ढूंढे। तो उस मयत मृतक का नाम था संदेश महादेव पाटिल, उसका उम्र है 26 साल, रहने वाला नेहरू का रहने वाला था। उसके बाद हमें पता चला कि ये जो मृतक है वो HDFC बैंक में काम करता था, HDFC बैंक में क्रेडिट डिपार्टमेंट में काम करता था और वो उनका जो स्टाफ को पास इंक्वायरी करने के बाद समझ में आया कि वो जो मृतक था उसकी जो प्रेमिका थी वो प्रेमिका 6 महीने से ये मृतक के साथ उनके प्रेम संबंध थे और 6 महीने के पहले इस केस का जो आरोपी है छुटकन रामपाल साफी वो इसकी प्रेमिका थी। तो इस केस के आरोपी छुटकन रामपाल साफी ने उसकी प्रेमिका जो मृतक है संदेश महादेव पाटिल इनके साथ इसके प्रेम संबंध होने के कारण उसी रात को 10:30 बजे के करीब रेलवे ट्रैक में उसको लेके वहाँ पे पत्थर सिर में मार के ऑन द स्पॉट उसको उसकी हत्या की गई है ऐसा इन्वेस्टिगेशन के बाद हमें पता चला है। हमारी टीम ने और हमारे पुलिस स्टेशन में ये घटना के बाद तुरंत 302 इंडियन पिनल कोड के तहत गुना रजिस्टर किया है और 12 घंटे के अंदर हमारी पुलिस टीम ने उस आरोपी को अरेस्ट किया गया है। नहीं, हमारे टीम ने इन्वेस्टिगेशन करने के बाद ही पता चला है कि ये सब HDFC बैंक में काम करते हैं अलग अलग ब्रांचेस में, बट ये जो मर्डर है अभी तक तो आरोपी छुटकन रामपाल साहब इन्होंने अकेले ने किया है, अभी तक तो इन्वेस्टिगेशन से सामने आए, बाकी इन्वेस्टिगेशन जारी है।